अचलपुर पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले ग्राम कोल्हा में ये बार वही नजारा देखने को मिला जिसकी उम्मीद हर बार से की जा रही थी। कोल्हा ग्राम पंचायत की सरपंच सौ अश्विनी तायडे, इनके पति प्रवीण तायडे जो कि जिला परिषद के सदस्य भी है, इन्होंने ग्राम पंचायत के कामों में पूरी तरह से दखलअंदाजी करते हुए खुद को ही सरपंच मानकर यहां पर जो तमाशा किया उसे गांव का हर नागरिक देखकर हक्का बक्का रह गया। कोल्हा ग्राम पंचायत में 12 मई को आम सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन इस आम सभा में सरपंच पति व जिला परिषद सदस्य प्रवीण तायडे इन्होंने पूरी तरह से ही अपना कब्जा कर लिया। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर 100 लोग जो उनके तरफ से बात कर सकते थे या कहे उनके समर्थक, उन्होंने अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर लिए। बाकी लोगों को जैसे तैसे ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर प्रांगण में ही खड़ा कर दिया गया। 200 से लेकर 250 लोग ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर ही खड़े रहे। यहाँ पर जो भी फैसला लिया जाना था वो लोगों के वोटिंग के हिसाब से ही लिया जाना था। इन्होंने अपनी कुटिल राजनीति चलते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर जमा हुए 100 लोग जो कि उनके फेवर में थे, उनसे अपने अपने कामों के लिए प्रस्ताव पारित कराने के लिए वोट लेने शुरू कर दिए। पर बाहर खड़े 200 से 250 लोगों को नज़रअंदाज कर जानबूझकर उनके वोट नहीं लिए ताकि उनके हर प्रस्ताव को आसानी से पारित किया जा सके। इस तरह का तमाशा देखकर कोल्हा ग्रामवासियों ने सरपंच पति की मनमानी पर अपना कड़ा ऐतराज जताते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामवासियों को विरोध करते हुए देखकर सरपंच पति ने तो हद ही कर डाली। बाहर आकर हर किसी को अश्लील गाली गलौज करते हुए उनके साथ में झगड़ा किया, यहाँ तक कि लाठियाँ तक निकल डाली। सरपंच पति के मनमानी का आलम तो ये था कि उन्होंने इस ग्राम सभा में शिवसेना के तहसील प्रमुख बंडू घूम व उनके साथ आए लोगों को अंदर आने तक नहीं दिया। बाहर ही उन्हें रोककर उनके साथ हाथापाई तक कर डाली। इस पूरे तमाशे को देखने के बाद आखिर में कोल्हा ग्राम की महिलाओं ने इस पूरे मामले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसकी शिकायत अचलपुर पंचायत समिति के BDO राय बुले इनसे की। ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका, नगर पालिका से लेकर जिला परिषद, जहाँ देखो वहाँ पतिराज का दबदबा कायम है। आज हर जगह महिलाओं को इतने अधिकार देने के बावजूद महिलाओं के पद पर उनके पतियों ने अपना कब्जा जमा कर अपने फैसले लेने शुरू कर दिया है। इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। इस मामले की शिकायत कोल्हा ग्राम की महिलाओं ने BDO राय बोले इनसे कर इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है।